मनोजीत जी, मैं बड़ा एक सीधा से पॉइंटेड सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। क्या आप मानते हैं नुपुर शर्मा के बयान का अंदाज गलत था? बयान गलत था या नहीं था ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगा, वो हम करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन अंदाज से बयान गलत था, आप मानते हैं? क्या नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा था, आप दोहरा दीजिए एक बार। मैं क्यों दोहराऊं अपने मुंह से? मैं ऐसी कोई भी बात क्यों दोहराऊं जिससे मेरे किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन को आहत हो? आपको रिक्वेस्ट कर रहा नहीं, आप बोलिए ना मनोजीत जी, मैंने आपसे पूछा कि उनका अंदाज से बयान गलत था या नहीं था। सुधांशु, नुपुर शर्मा के बयान गलत था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं कह रहा हूँ नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर मैं देखिए, मैं एक एक सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए बिना इधर उधर घुमाए फिराए। क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन आप जवाब देने के लिए मेरे को टाइम दोगे? बिल्कुल, आप पहले इस बात का जवाब दें फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सर ये क्या बेहुदा सवाल है? यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बेहुदा है या नहीं वो मेरे दर्शक तय कर लेंगे। मंडल जी, कैसे बेहुदा हो सकता है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन जी, उन्हें बेहुदा लग रहा है, उनके खांचे में फिट नहीं हो रहा है। कोई लॉजिक हो तो उसको कहा जा सकता है कि लॉजिकल है। नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई इसको तो ममता बनर्जी भी कहती है होनी चाहिए। If you don't allow me to speak, I will humbly quit the board. Sir, you are allowed to speak, but you'll have to answer my question first. That's what I'm trying to answer. Are you giving me time? You are coming in, your friend is coming in, Sudhanshu is coming in. Sudhanshu ji ko jis tarah se bolne diya, boliye, boliye. Mujhe bhi dejiye, ek minute to de dijiye. Sir, aap boliye. Mere sawal ka jawab dijiye. Agli baar bhi main aap hi ke paas aa rahi hu. Don't worry. I'm going to give you enough time. Nupur Sharma ke khilaf kanuni karwai honi chahiye? बिल्कुल होनी चाहिए, हमने मांग किए है, उनको अरेस्ट किया चाहिए। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर सुन, इसका उत्तर है महुआ जी ने क्या कहा है, हजारों बार आप दोहरा दिया, कोई तकलीफ नहीं है, एक बार नुपुर जी का कहा बात दोहरा दीजिए। मैंने तो नहीं दोहराया, महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? आई डिड नॉट इवन रोट इट, आई डिड नॉट इवन रोट इट। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? ना मैंने चलाया, ना मैंने बोला, ना मैंने लिखा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, आप इसे जस्टिफाई करें। मैडम जी, एक भी सेंटेंस पूरा करने नहीं दिया, बीच में सर आप अपनी पूरी बात रखें। सर मैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दे, महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, उत्तर इसमें है। महुआ जी ने क्या कहा, हम उसके उससे सहमत नहीं है, पार्टी ने बिल्कुल कहा, कंडेम किया, फिर भी वो कहा पर्सनल कैपेसिटी थे, मुझे लगता है महाकाली मीट ईटिंग अल्कोहल अप्रोविंग बोल दिया, आप भी बोल रहे हो सुबह से। एक बार सुधांशु जी को मैं कह रहा हूँ कि नुपुर जी क्या कहा दोहरा दीजिए, उत्तर इसमें मिल जाएगा। मनोजीत जी, आपने ये कहा कि आप टीएमसी में, सुधांशु जी मैं आ रही हूं आपके पास। नहीं सर, मुझे नहीं सवाल है, जब से चक्करवादी लोग खड़े हैं। नहीं नहीं सुधांशु जी, और मैं आपसे कहता हूं कि जो मोइया मित्रा ने बोला है ना, मोइना मित्रा ने किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखा। नहीं 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 सुधांशु जी, मुझे जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं किसी और पैनलिस्ट के पास नहीं जाऊंगी। मुझे मनोजीत मंडल से अपने सवाल का जवाब चाहिए। महुआ मोइत्रा ने जो कहा उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का अपमान किया, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए तो कह रहा हूँ दोनों में अंतर फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप सुप्रीम कोर्ट से आगे हो सर। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला सर, बोल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला, बीजेपी का एक्शन पहले हुआ, एफआईआर पहले लॉन्च हुई। बीजेपी के एजेंट हो, उनको बोलने दे, मेरे को बोलना क्यों नहीं दे रहा हूँ, बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, आप सवाल का जवाब दे, मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हो, खुद को देख नहीं रहे हो क्यों? आप किस तरह से मेरे को टोक रहे, पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू आर इंसल्टिंग माय पार्टी। दो मिनट पूरे आपको, आप काउंट करके रखिए, टू मिनट्स ऑल फॉर द टीएमसी स्पोक पर्सन, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि टीएमसी की सांसद मोइत्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं। पहले ये बात है, आपने कहा नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगा, मैंने बोल दिया महुआ ने जो कहा पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, पार्टी कंडेम कर रही है, अगर कोई लीगल एक्शन हो शी विल टेक केयर ऑफ दैट, पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं, कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी, ये पुलिस तैयार करेगी, कोर्ट तैयार करेगी। जैसे कि नुपुर शर्मा जी के बारे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यू हैव सेट द कंट्री ऑन फायर। आपको अगर ये लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में और पिटीशन फाइल कीजिए। दूसरी बात, मॉरालिटी के आधार पर डिस्टिंक्शन फर्क है, अंतर है, फिर भी हम इसे कंडेम करते हैं। आप दोहरा दीजिए नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा, महुआ जी ने क्या कहा, बार बार आप लगातार बोल रहे हो, इसी में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर यहां पर आप पूछे वेजे में कुछ है, आप नहीं बोल पाओगे कि व्हाट शी डिड व्हाट शी सेड कैनॉट बी स्पोकन अगेन, दैट्स अनस्पीकेबल डिस्पिकेबल एंड दैट्स व्हाई लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इवन इफ केस ऑफ महुआ, अगर उन्होंने गलत किया है कानूनी दर पे कार्रवाई होगी एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, नॉट बाय ए स्टूडियो, नॉट बाय एन एंकर लाइक यू। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। स्टूडियो से तो ये नहीं होगा सर। आपने अभी अभी और बोला है तो आप बोले सर, आप थोड़ा दीजिए। मैंने अरे ये भी एक उत्तर है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं तो बोल रही हूँ सर, मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि जितनी दम के साथ ममता बनर्जी जी ने नुपुर शर्मा के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कही, मुझे लगा कि शायद किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शायद ममता बनर्जी चाहती है, लेकिन उन्होंने पार्टी स्टैंड रखा। इट्स ओके सर, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। अब हर्ष जी मुझे बताएं कि मोरालिटी के आधार पर नुपुर शर्मा का बयान महुआ मोइत्रा के बयान से बहुत अलग है, मोरालिटी के आधार पर यह अलग है, टीएमसी अपने आप को इस बयान से अलग करती है, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो वो महुआ मित्रा जाने, वो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि इंडिया टीवी के दर्शक अभी देख रहे होंगे और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से पुश कर रहे थे कि हैसियत हो तो बोल के दिखाइए, ये बताता है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस किस मानसिकता से काम कर रहा है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं, पत्रकार के तौर पर ये बातें करते हुए हम लोग असहज होते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अगर ये भगवान राम की भी चर्चा किसी ने इस तरह से की होती तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कतई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं और कहूँ, ये जिस तरफ पुश करने की कोशिश हो रही है देश के हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक हैं, वो बहुत खतरनाक है। मैं देख रहा हूँ कई कोने से चर्चा हो रही है कि ईश निंदा देव निंदा कानून बनाओ, नहीं बनाएंगे भाई। भारत शास्त्रार्थ की भूमि है, आस्तिक नास्तिक मूर्त अमूर्त शैव वैष्णव जाने कौन कौन, चारवाक दर्शन को मानने वाले वो सब हम लोग हैं। लेकिन मुश्किल कहाँ खड़ी होती है, मुश्किल खड़ी होती है तब जब एक ऐसी कोशिश हो रही है जिसमें या तो गला काट दो या चुप रहो। क्या देश संविधान के दायरे में ऐसे चल सकता है क्या? और अगर चल सकता है तो फिर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी, महुआ मोइत्रा और लीना को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो विक्षिप्त महिलाएं हैं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये विक्षिप्त महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो क्या और क्यों बोल रही हैं। उनको तो इस तरह से है कि अगर कोई कहेगा कि कपड़े पे देखो थोड़ी गंदगी लग गई है, वो सीवर लाइन में कूद जाएंगी, कहेंगी देखो हम पूरा गंदे हो गए, क्या कर लोगे मेरा, कोई कुछ कर सकता है क्या? ये इस तरह की विक्षिप्त महिलाएं हैं। लेकिन कष्ट कहां है, मुश्किल है कि इस देश के लोकतंत्र ने जिन राजनीतिक दलों को सत्ता में बिठाया, जिन राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत दिया, वो भी इस बात पर ठीक से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। देश के संविधान का अपमान हो रहा है, वो शांत बैठे हैं। हम शास्त्रार्थ की भूमि है, शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन आराध्यों पर अपमानजनक टिप्पणी ये सहन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।